ममता के राजनीतिक रणनीतिकार का कांग्रेस पर हमला, प्रशांत किशोर का विपक्ष की भूमिका को लेकर प्रहार, कांग्रेस के पास लीडरशिप का दिव्य अधिकार नहीं, विपक्ष के नेतृत्व का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होगा। अब ये जरा ये क्या वाकई कांग्रेस के भीतर ये समझा जाने लगा कि एक परिवार जो है उसके इर्द गिर्द चीजें घूमेंगी, क्या कांग्रेस में ये समझा जाने लगा कि यूपीए में चीजें जो घूमेंगी वो उसके इर्द गिर्द घूमेंगी, और क्या इसी धारणा को अब चैलेंज मिल रहा है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस? जरा ये देख लें कि कांग्रेस की अपनी हैसियत अभी इस वक्त कैसी दिखाई दे रही है। 2014 और 2019 का अगर आप हिसाब किताब देखें तो ये कहता है यहां का आंकड़ा कि दोनों ही चुनावों में 2014 और 2019 में अगर आप देखें तो एक में 44 और दूसरे में 53 सीटें अगर हासिल हुई हैं, और वोट ऑफ परसेंटेज भी ये बता रहा है कि 9% के आसपास, 9.5.7 के आसपास ये अगर ठहर रहा है तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन सवाल ये भी है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी की क्या ये हैसियत है? दीदी की तैयारी थोड़ा हटके है, दीदी की तैयारी क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। ममता ने किया, राहुल ने क्या किया? दीदी की तैयारी कुछ हटकर है। अब जरा देखिए, ममता ने किया कि वो स्वरा भास्कर से मिली, दौड़ भाग कर रही है, इसी दौड़ भाग का मैं जिक्र कर रहा था कि जो दौड़ भाग करेगा वो लीडर होने का दम भर सकेगा। जावेद अख्तर से मुलाकात की, वो जितने भी इस खेमे से अलग सोच रखने, मतलब मोदी खेमे, भारतीय जनता पार्टी खेमे से अलग सोच रखने वाली जो लोग हैं उन सबसे मुलाकात हो रही है, और वहां मुलाकातों को प्रोपोगेट भी किया जा रहा है, और ये भी दिखाया जा रहा है कि देखिए कोई और कर नहीं रहा है तो मुझे करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं बंगाल से बाहर निकली, मैं दिल्ली गई, मैं महाराष्ट्र गई, मैं सब जगह दौड़ भाग कर रही हूं, ये तमाम मुलाकातें हो रही। लेकिन इधर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? ये सवाल खुद ममता ने उठा दिया कि अगर दूसरे विदेश घूमने में वक्त ना लगाते तो मुझे ये ना करना पड़ता। अब अगर ये तैयारियां हैं और कांग्रेस की वो हैसियत जो मैंने आपको दिखाया कि उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो हैसियत ग्रैंड ओल्ड पार्टी को सूट करने वाली उसके पहले का परफॉर्मेंस देखते हुए वो समझ में भी नहीं आता, तो इन दोनों को देखते हुए असल में राह किधर की निकल रही है ये जरा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरा जल्दी से, तीसरा मोर्चा अगर तैयार होता है तो ताकत कितनी होगी इसकी? तीसरा मोर्चा हमने ये पहले देखा है, पहले भी बना है, लेकिन उसकी ताकत कितनी हुई है और उसमें फिर आखिरकार उसका अंजाम क्या हुआ है? तीसरा मोर्चा अगर तैयार होता है तो वो कितना ताकतवर होगा? ये है तीसरे मोर्चे का फिलहाल आकार प्रकार। ममता बनर्जी 22 सीटों के साथ, उद्धव ठाकरे 19 सीटें, शरद पवार 5 सीटें, तेजस्वी यादव अभी जाहिर है सीटें नहीं, अखिलेश यादव 5 सीटें, मायावती 10 सीटें। अब इसके साथ अगर ये तीसरा मोर्चा तैयार होता है तो ये कितना फॉर्मिडेबल होगा? क्या ये अपने पास उतनी ताकत सीटों के हिसाब से जमा कर पाएगा जो मोदी को चैलेंज कर सके? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।